अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करेंगे। क्या कह रहे हैं? सॉल्व द ट्राइंगल्स, मतलब कह रहे हैं ट्राइंगल को सॉल्व करो। ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब होता है ट्राइंगल में जो कुछ है वो बता दो। तो पहले हम देखते हैं कि होता क्या क्या है ट्राइंगल के अंदर, क्या क्या हमें सॉल्व करना होता है। देखो, ट्राइंगल के टोटल हमें 6 चीज़ें सॉल्व करनी होती है। मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी मैंने इसे बोल दिया। अच्छा, जो ए होता है, ए के सामने हम लोग क्या लिखते हैं? स्मॉल ए। ये स्मॉल ए क्या होगा? हमारे पास बी से लेके सी तक की लेंथ, एक ये चीज़ निकालनी होती है हमेशा सॉल्व ट्राइंगल में। फिर कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, एक ये चीज़ होती है ट्राइंगल की, ए के लेके सी तक की लेंथ। इसी तरह कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी, ये होता है ए से लेकर बी तक की लेंथ। तीन साइड्स हो गए और हमारे पास बाकी तीन क्या होते हैं? तीन एंगल होते हैं। बी के साथ जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा? बीटा होगा। तो मैं यहाँ बीटा लिख देता हूँ। ए के साथ जो एंगल होगा वो हमारे पास अल्फा होगा, और सी के साथ जो हमारे पास एंगल होगा वो हमारे पास गामा होगा। तो किसी भी ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब होता है कि छः की छः चीज़ें हमें बता दो। सही, सॉल्व हमेशा सॉल्व ट्राइंगल की टोटल हमें तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, कोई भी ट्राइंगल सॉल्व हो सकता है। पहली प्रॉपर्टी ये कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। और बाकी दो हमें लॉ पता होना चाहिए, साइन लॉ और कोसाइन लॉ। पिछली वीडियोज में प्रूफ भी करवाया है, यहाँ पे मैं दोबारा बता दूंगा। अच्छा, पार्ट वन शुरू करते हैं। पार्ट वन में क्या कह रहे हैं भाई? ए 100 है, बी 125 है और सी 80 है। तो हमें इसके अंदर क्या हुआ? तमाम साइड्स की लेंथ गिवन है। तो ए हमारे पास क्या हो गया? 100 हो गया। बी हमारे पास क्या है? 125 गिवन है। और सी हमारे पास क्या गिवन है? 80 गिवन है। तो हमें तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है। तो हम लोग क्या बचा हमारे लिए? अल्फा बीटा और गामा हमें निकालना है। सॉल्व का मतलब है बाकी जो बचेंगे वही निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ अल्फा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे बीटा क्वेश्चन मार्क है और गामा क्वेश्चन मार्क है। ये तीन चीज़ें हमें निकालनी है। अच्छा, अब एक चीज़ देखें, क्या यूज़ करेंगे? साइन लॉ यूज़ करेंगे, कोसाइन लॉ यूज़ करेंगे। हमेशा जब भी तीनों साइड्स पता चल जाएंगी कोसाइन लॉ लगा देंगे। कोसाइन लॉ हमने पिछले उसमें जो है हमने प्रूफ भी करके दिखाया था वीडियो में, यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ। देखें, कोसाइन लॉ याद करना बहुत ही आसान है। पहला बात देखें, पहले कैसे लिखेंगे? अल्फा का लिखता हूँ पहले मैं। तो कॉस अल्फा, कॉस अल्फा किसके बराबर होता है? अल्फा ए को कहते हैं। तो ए के अलावा जो बता वो लिख दें स्क्वायर के साथ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए खुद क्या होगा? माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें बी सी। पहला ऐसे देख लें। अब देखें दूसरा इसी पैटर्न पे कैसे आराम से बन जाएगा। कॉस बीटा, बीटा बी को कहते हैं, तो बी के अलावा क्या बचा? ए और सी। तो अब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख देंगे और बी खुद माइनस होगा, और इस बार टू के साथ ये वाले दो मल्टीप्लाई करवा देंगे। बिल्कुल इसी तरह आप कॉस गामा आप खुद करके देखें क्या होगा। गामा का मतलब सी, बचा गया ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी खुद क्या होगा? माइनस होगा। और नीचे क्या आ जाएगा? अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगी 2ab। तो ये हमारे पास है कोसाइन लॉ। अब क्या मैं इससे अल्फा नहीं निकाल सकता? देखिए, बी भी गिवन है हमें, सी भी गिवन है हमें, ए भी गिवन है। तो बस सारी चीज़ वैल्यूज डालेंगे, इसमें एक आंसर आएगा, कॉस इनवर्स लगाएंगे और आ जाएगा। तो इससे अल्फा निकल आएगा, इससे बीटा और इससे गामा निकल आएगा। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा निकाल लें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4α, नाउ 4α। अच्छा, दोबारा मैं लिख देता हूँ कौन सा वाला लगेगा। पहला वाला लगेगा, तो पहला वाला यहाँ पे लिख देते हैं कॉस अल्फा का फॉर्मूला। क्या है अभी पहला वाला? कॉस अल्फा इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अल्फा खुद ए तो माइनस ए स्क्वायर अपाउंड 2bc हमारे पास आ गया। अच्छा, बी स्क्वायर, अब यहाँ पे वैल्यूज मेरे पास लिखी हुई है, बी 125, सी 80 और ए हमारे पास क्या है? 100। तो यहाँ पे मैं ये वैल्यूज रख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 125 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर ओवर 2bc। बी मतलब 125 और सी मतलब 80। बस अब कैलकुलेटर का ही काम बचा है, असल चीज़ हमारी हो गई। तो कैलकुलेटर में देख लेते हैं ऊपर क्या आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 125 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर है फिर? 80 का स्क्वायर प्लस माइनस 100 का स्क्वायर। तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया? 12025। ये हमारे पास ऊपर आ गया। इसी तरह आप नीचे देख लेते हैं क्या आएगा, 2 × 125 × 80। नीचे क्या आ गया? 2000 आ गया हमारे पास, 20,000 आ गया, सॉरी। अच्छा, 12025 डिवाइडेड बाय 20,000 क्या आया हमारे पास? 0.6012।
अच्छा अब एक चीज देखिए, जो 0.6012 है ये अल्फा नहीं निकला, ये हमारा किसके बराबर है, कॉस अल्फा के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस अल्फा आया है 0.6012, तो अल्फा किसके बराबर होगा, कॉस उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स 0.6012। कैलकुलेटर में देख लेंगे इसको भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट कॉस इन्वर्स 0.6012 किसके बराबर आ रहा है हमारे पास, 53.04 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, इसके सामने लिख देता हूँ 53.04 डिग्री। अच्छा बुक के अंदर शायद और फॉर्म में भी लिखा 53.04 डिग्री भी आंसर होगा, और जब 53.04 आए ना तो बस सिर्फ ये वाला बटन दबा दें, ये जो हमारे पास है ना ये वाला बटन दबा दें, तो देखें इस फॉर्म में आ गया, तो चाहे तो ये भी आप लिख दें, तो क्या हो जाएगा 53 डिग्री 2 बार 38.8 डबल बार। तो ये हमारा क्या निकल गया, अल्फा निकल गया। अब अगले पेज पे हम लोग बीटा कर लेते हैं, बीटा निकालने के लिए कॉस बीटा वाला लगा देते हैं, कोसाइन लॉग कॉस बीटा इक्वल्स टू किसके बराबर है, कॉस बीटा हमारे पास अल्फा ए के बराबर बीटा बी, तो मतलब बी के अलावा कौन कौन, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर और इन दोनों मल्टीप्लाई 2ac, ये वाला कोसाइन लॉ है हमारे पास, तो हम लोग इसे लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 100 है, तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 80 है, 80 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 125 है, तो 125 का स्क्वायर अपाउंट क्या, 2ac है 2, ए हमारे पास क्या है 100 है और सी हमारे पास 80 है, तो कैलकुलेटर से अब इसे देख लेते हैं क्या आएगा हमारे पास। अच्छा तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर माइनस 125 स्क्वायर, क्या बना हमारे पास 775 अपॉन, नीचे क्या भाई 2 × 100 × 80, नीचे हमारे पास क्या आ गया 16,000 आ गया, नीचे लिख देता हूँ 16,000, 775 डिवाइडेड बाय 16,000 क्या आया हमारे पास 0.0484 0.04847। अच्छा ये जो हमारे पास निकला है ये हमारे पास कॉस बीटा निकला है, बीटा नहीं निकला, तो मैं लिख देता हूँ कॉस बीटा इज इक्वल टू 0.048437, तो बीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस उस तरफ जाके कॉस इन्वर्स हो जाएगा, तो कॉस इन्वर्स 0.048437 देख लेंगे यहाँ पे, शिफ्ट कॉस इन्वर्स आंसर क्या हमारे पास आ रहा है 87.2236, तो बीटा का एंगल क्या आ गया हमारे पास 87.2236 डिग्री। चाहे तो दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बताया कौन सा बटन दबा देंगे, ये वाला बटन हम लोग दबा देंगे, तो दूसरी फॉर्म में आ गया, इसमें भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा अब आखिरी चीज़ क्या बची हमारे पास, गामा बचा, तो गामा के लिए हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, गामा वाला लगा देंगे, क्या हो जाएगा कॉस गामा अल्फा ए बीटा बी गामा सी, तो सी के अलावा बाकी दोनों प्लस और खुद सी माइनस, इसी तरह इन दोनों का प्रोडक्ट 2ab, ये हो गया हमारे पास बहुत ही आसान, बस आप वैल्यूज डाल देंगे और हो जाएगा। ए क्या है 100 स्क्वायर प्लस बी क्या है हमारे पास 125 का स्क्वायर माइनस सी क्या है हमारे पास 80 स्क्वायर ओवर 2ab, मतलब 2 × a 100 है और बी हमारे पास 125 है, इसे भी हम लोग कैलकुलेटर में रख देंगे और देख लेंगे क्या आ रहा है। अच्छा 100 स्क्वायर प्लस 125 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर, ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है 19225 अकाउंट, नीचे 2 × 100 200 × 125 25,000 25,000, इन दोनों को कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 19225 डिवाइडेड बाय 25,000 0.769। जो 0.769 आया हमारे पास क्या है, कॉस गामा आया है ना, तो गामा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस इनवर्स 0.769 के इक्वल हो जाएगा, तो लिख देते हैं कॉस इनवर्स आंसर डाल देंगे किसके बराबर 39.735 डिग्री, और चाहे तो इसको भी उसमें चेंज कर सकते हैं।
और ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट वन हो गया। अच्छा, हम लोग पार्ट टू को करते हैं। पार्ट टू में हमें क्या क्या दिया हुआ है? अल्फा गिवन है, ए गिवन है और बी गिवन है। तो क्या होता है हमारे पास, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी और कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, ये साइड्स की लेंथ हो गई। और बी के साथ हमारे पास होता है बीटा, ए के साथ हमारे पास होगा अल्फा और सी के साथ हमारे पास होगा गामा। टोटल ये छः चीज़ें हमें निकालनी होती है किसी भी सॉल्व द ट्राइंगल के अंदर। अच्छा, तो हमारे पास क्या क्या नहीं गिवन वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें मतलब क्या क्या निकालना है, अल्फा गिवन है तो बाकी दो एंगल नहीं गिवन वो निकालने, मतलब बीटा बीटा निकालना है और गामा निकालना है। और साइड्स के अंदर दोनों दो साइड्स गिवन है, एक साइड नहीं गिवन, ए बी गिवन है, सी नहीं गिवन। तो इस सवाल के अंदर हमें ये तीन चीज़ें निकालनी हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया पिछले इसमें कोई भी चीज़ आपको कोई भी ट्राइंगल सॉल्व करना हो टोटल दो चीज़ें यूज़ होती हैं हमारे पास, या तो साइन लॉ लगता है या तो कोसाइन लॉ लगता है। तो अब पता कैसे चलता है साइन लॉ और कोसाइन लॉ क्या लगेगा, बताया दोबारा बताता हूँ। अच्छा, कोसाइन लॉ कब लगेगा, टोटल दो कंडीशंस पे लगेगा कोसाइन लॉ। पहली कंडीशन क्या है कि तीनों साइड्स की लेंथ गिवन हो, ए बी सी गिवन हो, मतलब इसकी भी गिवन हो, इसकी भी गिवन हो, इसकी भी गिवन हो, तब कोसाइन लॉ लगता है। या दूसरा कब कोसाइन लॉ लगता है, जब दो साइड्स गिवन हो और एक कोई एंगल गिवन हो, तो इन दो कंडीशंस पे कोसाइन लॉ लग जाता है। तो यहाँ पे देखें, दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। अच्छा, साइन लॉ को कैसे पता चलेगा साइन लॉ कब लगेगा, साइन लॉ के अंदर टोटल एक चीज़ आपको बस देखनी होती है, अगर अल्फा गिवन है और ए गिवन है मतलब साइन लॉ लग जाएगा। इसी तरह अगर बीटा गिवन होता और बी गिवन होता साइन लॉ लग जाएगा। इसी तरह अगर गामा गिवन होता और सी गिवन होता मतलब साइन लॉ लग जाएगा। तो इस वाले सवाल के अंदर हमारे पास साइन लॉ भी लग रहा है, कोसाइन लॉ भी लग रहा है। जब भी ऐसा हो, साइन लॉ भी लग रहा हो और कोसाइन लॉ भी लग रहा हो, तो हमेशा साइन लॉ को यूज़ करें क्योंकि वो आसान है। तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ, यूजिंग साइन लॉ। तो साइन लॉ हमारे पास क्या है, साइन लॉ कहता है ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गामा। ये हमारे पास साइन लॉ है, हर कोई एक दूसरे के इक्वल टू है। तो हमें बस जो निकालना है उसके लिहाज से हम लोग कोई दो ले लेंगे इसमें से। अच्छा, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, बीटा गामा हम लोग निकाल लेते हैं, एंगल निकालने का कि बीटा गामा और सी। अच्छा, अब कौन से दो यूज़ करेंगे, कैसे देखेंगे, अल्फा गिवन है ना तो लाजमी सी बात है अल्फा वाला हम लोग एक यूज़ करेंगे, एक अल्फा वाला यूज़ करेंगे और इनमें से कोई भी एक यूज़ कर ले जो आपको निकालना है। बीटा निकालना है तो ये निकाल लें, गामा निकालना है तो यूज़ कर लें। पहले हम लोग बीटा निकाल लें तो इन दोनों को फिर यूज़ कर रहे हैं। अल्फा तो इसलिए यूज़ करा क्योंकि अल्फा गिवन है तो ये वाला तो यूज़ हो गई। तो हमने इसमें से कौन सा वाला ले लिया, ये वाला ए ओवर साइन अल्फा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा। बीटा निकाल लेंगे इसमें से तो साइन बीटा को मैं अलग कर लूँगा, तो साइन बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन बीटा इक्वल्स टू साइन बीटा उधर चला जाएगा, ये इधर बी साइन अल्फा ओवर ए के इक्वल हो गया साइन बीटा। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए बी की वैल्यू हमारे पास ऊपर गिवन है, बी बराबर है 20 सेंटीमीटर के, ए बराबर है 40 सेंटीमीटर के। बी बराबर है 20 सेंटीमीटर के, साइन अल्फा हमारा गिवन है 25 डिग्री ओवर ए हमारा है 40 सेंटीमीटर, तो साइन बीटा हमारा इसके इक्वल आ गया। कैलकुलेटर में रख के देख लेते हैं किसके इक्वल आएगा। अच्छा, 20 मल्टीप्लाई बाय क्या है, साइन 25 डिग्री, तो हमारे पास ऊपर क्या आ गया, 8.45236 ओवर नीचे क्या हमारे पास 40 है। तो इस चीज़ को मैं 40 से डिवाइड करवा दूँ, डिवाइडेड बाय 40 तो क्या है 0.21130। लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आया साइन बीटा, हमें बीटा निकालना है। तो बीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इसका हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.21130। तो यहीं पे ले लूँ मैं साइन इनवर्स, साइन इनवर्स आंसर क्या आ गया हमारे पास, 12.199 डिग्री हमारे पास आ गया बीटा। अच्छा, बीटा निकल गया हमारे पास, अल्फा गिवन था, बीटा हमने निकाल लिया। अच्छा, अब हम लोग गामा निकाल लेते हैं। अच्छा, इसे राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं, 12.199 है ना, तो इसे ये भी लिख सकते हैं 12.20 डिग्री भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग गामा निकालेंगे। देखें, अब बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, अब गामा के लिए दोबारा वो जाते हैं और गामा के लिए फिर गामा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन एक आसान चीज़ देखें, हमें ये चीज़ मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रायंगल के तीनों साइड्स की डिग्री बराबर होता है 180 डिग्री के, मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो जब भी दो एंगल पता चल जाए तो तीसरा एंगल हमेशा इस तरह निकाल लें। तो गामा के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होते हैं,
180 डिग्री के बराबर होता है, तो गामा किसके बराबर हो जाएगा, गामा बराबर हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, वहां चला जाएगा पूरा एक साथ अल्फा प्लस बीटा, ये 180 में से अल्फा प्लस बीटा को माइनस कर दो, तो यहाँ पे मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू डाल देता हूँ, हमारे पास क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा माइनस अल्फा, अल्फा हमारे पास सवाल में गिवन है 25 डिग्री, और बीटा अभी अभी हमने ऊपर निकाला है कितना है 12.20। तो इसे कैलकुलेटर में करके देख लेते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास, 180 माइनस 25 प्लस 12.20 क्या आ रहा है हमारे पास, 142.8, हमारा एंगल क्या आ गया 142.8 डिग्री। अच्छा तो एंगल हमारे सारे निकल गए, अल्फा भी निकल गया, बीटा भी निकल गया, गामा भी निकल गया, अब क्या रह गया हमारे पास, दो साइड्स की लेंथ तो गिवन है बस, अब हमारे पास एक साइड की लेंथ रह गई सी, तो अब हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, सी वाला यूज़ कर लेंगे, किसी से भी ये वाला यूज़ करके सी यूज़ कर लें या ये वाला यूज़ करके सी यूज़ कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है, तो हम लोग ये वाला यूज़ कर लेते हैं, ए ओवर साइन अल्फा इक्वल्स टू सी ओवर साइन गामा, निकालना क्या है हमें इसमें से, सी निकालना है, तो मैं सी को अलग कर लेता हूँ, सी अलग क्या हो जाएगा, देखें साइन गामा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिख दूँ ए साइन गामा ओवर साइन अल्फा, सी इक्वल टू ए हमारे पास क्या है 40 सेंटीमीटर था, साइन गामा, गामा भी अभी हमने नीचे निकाला, क्या निकाला 142.8, तो यहाँ पे लिख दो साइन 142.8 ओवर साइन अल्फा, साइन अल्फा में गिवन है अल्फा था 25 डिग्री, तो अल्फा की जगह ये रख दिया, बस कुछ भी नहीं करना है, इसे कैलकुलेटर में रखना और हमारे पास तीनों चीज़ें आ जाएंगी, क्या है 40 मल्टीप्लाई बाय साइन 142.8, तो क्या आ रहा है हमारे पास 24.1839 डिवाइडेड बाय क्या है साइन 25, तो साइन 25 की वैल्यू हमारे पास है 0.42261, इन दोनों को हम लोग डिवाइड करवा दें तो क्या हो जाएगा 24.1839 डिवाइडेड बाय आंसर आ गया 57.22 क्या सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेंथ थी हमारे पास और ये हमारे पास तीनों चीज़ें निकल गई। अब हम लोग पार्ट थ्री को शुरू करते हैं, पार्ट थ्री में हमें क्या क्या गिवन है, अल्फा गिवन है मतलब एक साइड का एंगल गिवन है, दूसरी साइड का एंगल गिवन है बीटा 60 डिग्री और तीसरी साइड की लेंथ गिवन है 39 सेंटीमीटर, तो इसका क्या मतलब है दो एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है, तो हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, तो इसके अंदर हम लोग लिख देंगे दो एंगल गिवन है तो तीसरा एंगल नहीं गिवन वो निकालना पड़ेगा, मतलब कि गामा क्वेश्चन मार्क है हमारे पास, और इसी तरह एक साइड सिर्फ गिवन है सी गिवन है लेंथ, तो बाकी दो की निकालनी होगी, मतलब ए की लेंथ हमें निकालनी है और बी की लेंथ हमें निकालनी है, सबसे पहले तो हमने ये लिख लिया। अच्छा अब इसके अंदर ये देखें कि हमारे पास, मैंने आपको पिछले सवाल में ही बताया, जब भी दो साइड के एंगल गिवन हो तो तीसरा एंगल निकालना तो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ ऐसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पता है, गामा आराम से निकल आएगा, तो गामा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, गामा इक्वल हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा के, 180 माइनस अल्फा हमारे पास क्या है सवाल के अंदर 49 डिग्री है और बीटा सवाल के अंदर 60 डिग्री है, इसे हम लोग कैलकुलेटर में देख लेते हैं किसके इक्वल होगा, क्या कर लेंगे 180 माइनस 49 प्लस 60 क्या आ गया 71, तो गामा तो हमारा फौरन निकल गया क्या है 71 डिग्री निकल गया, तो अब हमारे पास क्या क्या पता चल गया, अल्फा बीटा गामा पता है और एक साइड की लेंथ पता है, फौरन साइन लॉ का मैंने आपको बताया था, जब भी एक जैसे कि एंगल पता और उसी की साइड पता हो, जैसे अगर अल्फा पता हो और ए पता हो तो साइन लॉ लग सकता है, बीटा पता और साइड बी पता हो साइन लॉ लग सकता है, यहाँ पे देखें गामा पता है और साइड सी भी पता है तो मतलब साइन लॉ लग सकता है, तो हम लोग यहाँ पे फौरन क्या लिख देंगे यूजिंग साइन लॉ, साइन लॉ क्या है हमारे पास, साइन लॉ बराबर होता है ए ओवर साइन अल्फा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा इक्वल्स टू सी ओवर साइन गामा। अच्छा कोई दो यूज करते हैं, साफ सी बात है कोई दो यूज करेंगे जब सॉल्व कर रहे होंगे, तो कौन से दो यूज करते हैं, मैंने पहले बताया इनमें से एक तो वो यूज होगा जिसकी दोनों चीजें पता होंगी, मतलब सी भी पता होगा गामा भी पता होगा या बी भी पता होगा बीटा भी पता होगा, एक ऐसा करते हैं जो पूरा पता हो, तो इसके अंदर हमें कौन से दोनों पता है, देखें इसके अंदर हमें
ए नहीं पता तो ये यूज नहीं कर सकते, इसके अंदर हमें क्या नहीं पता, बी नहीं पता तो ये भी यूज नहीं कर सकते, इसके अंदर देखें सी भी पता है और गामा भी पता है, तो एक तो ये यूज करेंगे और दूसरा हमेशा जौन सा चाहे यूज कर ले, अगर पहले ए निकालना है तो ए यूज कर ले, बी निकालना है बी यूज कर ले, तो अभी हम ए और ये वाले दोनों यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ किसके बराबर हो जाएगा, ए ओवर साइन अल्फा किसके बराबर हो गया, सी ओवर साइन गामा के, ये दोनों तो पता है, ए निकालना है हमें तो ए किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ए इक्वल्स टू साइन गामा मल्टीप्लाई बाय सी ओवर सॉरी साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय सी ओवर साइन गामा, वैल्यूज रख दूँ इसमें, साइन अल्फा हमें क्या गिवन है सवाल के अंदर 49 मल्टीप्लाई बाय सी लेंथ है कितना है 39 ओवर साइन गामा, गामा हमारा क्या निकला है 71 डिग्री निकला था, तो यहाँ पे 71 रख देता हूँ, अच्छा ए है ये, जैसे मैं कैलकुलेटर में रख दूँ क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर में एक साथ रख देता हूँ, आप चाहें तो अलग अलग करके कर लें, पेपर में अलग अलग करें तो ज़्यादा फायदा है, साइन 49 को मल्टीप्लाई करना है 39 से और डिवाइडेड बाय करना है साइन 71 से, तो ए हमारा 31.129 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारे पास लेंथ सेंटीमीटर में, दूसरी जो गिवन है सी, एक साइड निकल गई, अल्फा बीटा गामा भी निकल गया, ए और सी निकल गया, क्या रह गया सिर्फ बी रह गया, जिस तरह हमने ए निकाला इसी तरह बी निकाल लेता हूँ, तो इस बार किन दोनों को मैं सामने सामने ले लूंगा, यहीं पे कर देता हूँ, ए ओवर साइन अल्फा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा, ए हमें पता है किसके बराबर है, ए बराबर है, पहले जो निकालना होता है बल्कि उसको अलग कर लेते हैं ताकि आसानी हो, हम बी निकाल लें तो बी को अलग कर लेता हूँ, तो बी किसके बराबर हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा ओवर साइन अल्फा के इक्वल हो जाएगा, तो बी की वैल्यूज यहाँ पे रख देता हूँ, क्या हो जाएगा, ए किसके बराबर है हमारे पास, हमने अभी निकाला 31.12 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा, बीटा हमारे पास क्या गिवन है सवाल में 60 डिग्री बीटा गिवन है, साइन अल्फा, अल्फा भी सवाल में गिवन है 49 डिग्री, बस कैलकुलेटर में हम लोग ये सारी वैल्यूज रखेंगे और हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा, क्या आ रहा है देख लेते हैं, 31.12 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 49 और ये आ गया हमारे पास 35.710, तो क्या हो गया एक और साइड 35.710 सेंटीमीटर, हमारे पास छः की छः चीज़ें होनी चाहिए हमेशा, तीन चीज़ें गिवन होती हैं और तीन चीज़ें हम निकालते हैं मोस्टली, तो अल्फा बीटा गामा निकल गया और ए बी सी तीनों साइड की लेंथ भी निकल गई।